गुड मॉर्निंग क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जीन एक्सप्रेशन और जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, इट इज़ प्रोसेस्ड बाय जेनेटिक कोड। जीन एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कौन कंप्लीट करवाता है? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? एक तरह का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ए जीन। एक जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो ट्रिपलेट, तीन कोड की फॉर्म में होता है, तीन नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें इस तरह से, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोड। या फिर अगर ये ट्रिपलेट कोड एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड यूज़ टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक कोड को हम यूज़ किस लिए करते हैं? टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये जो जीन होते हैं ना, एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय प्रोटीन सिंथेसिस। जीन जो होंगे वो अपने आप को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म में। ठीक है, जीन जो होंगे उनसे क्या होगा? अब लास्ट में देखो, डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, उससे एमआरएनए के पास गई, एमआरएनए से प्रोटीन के पास गई। मीन्स जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी उससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एमआरएनए बना, एमआरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बना। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होंगे? जीन्स प्रेजेंट होंगे। वही जीन्स जो होंगे वो क्या, ये जीन जो करेंगे ये क्या करेंगे? ये वाले जीन्स जो यहाँ पर होते हैं ये लास्ट में जाकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इट मीन्स जीन जो होते हैं वो अपने आप को प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और इसे ही हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, जीन्स दैट कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस। यहाँ पर क्या होगा? जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ पर भी जीन्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और वो जीन्स दैट कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें दो स्टेजेस होती है। ठीक है, उसमें टू स्टेजेस होती है, वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में हम अनुलेखन बोलते हैं और ट्रांसलेशन को हिंदी में हम अनुवादन बोलते हैं। देखो, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा? एमआरएनए का प्रोडक्शन होगा, किससे? डीएनए से। ठीक है, इट मींस यहाँ पर क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी, और ये प्रोसेसिंग जो होगी ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जहाँ पर देखो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, और यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज होती है हमारी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और ये पोस्ट ट्रांजिशनल प्रोसेस होती है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, सॉरी ट्रांसक्रिप्शनल आएगा यहाँ पे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होती है। ठीक है, मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई, उसके बाद में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, इट मींस इसे हम क्या कह सकते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, देखो इसमें क्या होता है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब जुड़ जाते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब आगे देखो, अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आता है जीन्स जो होते हैं ना, देखो स्ट्रक्चरल जीन्स, इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन्स किसे बोलते हैं? जो जीन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट मींस वो जीन जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कोड करते हैं अमीनो एसिड को, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। ठीक है, ये जो संरचनात्मक जीन होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है इन्हेंसर, ठीक है, सेकंड होता है प्रमोटर, थर्ड होता है एक्सोन, और फोर्थ होता है इंट्रोन। तो जो इन्हेंसर होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? वो एक तरह के एक्टिवेटर होते हैं जो कि प्रमोटर को एक्टिवेट करने का फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इन्हेंसर और प्रमोटर इन दोनों को कंबाइन करके बाइंड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद देखो, एक्सोन और इंट्रोन, इनके बारे में भी आगे कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, कलेक्टिवली डिटरमाइंड एंड रिप्रेजेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो कि कलेक्टिवली डिटरमाइंड एंड
रिप्रेजेंट अमीनो एसिड के एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर mRNA प्रोडक्शन, और यहाँ पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस हो गया। अमीनो एसिड के सीक्वेंस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, mRNA के प्रोडक्शन के लिए कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैच्योर जो mRNA का मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, एक तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, कलेक्टिवली रिप्रेजेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, तो वो रिप्रेजेंट करेगा, और डिटरमाइन किसको करेगा, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोन। इंट्रोन जो होते हैं ना, देखो एक्सोन जो थे वो क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे अमीनो एसिड को, ठीक है, और उसके अलावा वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और डिटरमाइन कर रहे थे। लेकिन जो इंट्रोन्स होते हैं, डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये क्या करते हैं कि ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। यहाँ पर देखो एंड्स आर रिमूव फ्रॉम द mRNA सीक्वेंस। इंट्रोन्स, ये जो इंट्रोन्स होते हैं ना, इनको स्प्लाइस्ड कर दिया जाता है, इनको रिमूव कर दिया जाता है बिफोर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस से पहले इंट्रोन्स जो होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। क्यों रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इनका ये जो होते हैं ना, ये अमीनो एसिड सीक्वेंस को कोड नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद देखो जीन कंट्रोल रीजन। जीन कंट्रोल जो रीजन होता है उसमें फोर टाइप्स होते हैं। देखो फोर साइट्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है स्टार्टर साइट, सेकंड प्रमोटर, इन्हेंसर और साइलेंसर। स्टार्टर साइट क्या करेगी, स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये देखो ये एक कंप्लीट सेल है, ठीक है। सेल के बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में अंदर न्यूक्लियस होगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होगी। देखो ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होगी। तो देखो DNA है ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड, DNA जो होगा उससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से mRNA का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से mRNA जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आगे की जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तो mRNA बाहर आ जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से mRNA जो होगा वो बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर आकर कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, जिससे mRNA जो होगा वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होगा, आगे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, तो ये जो कम्प्लीट प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो प्रमोटर किसे बोलते हैं, रीजन ऑफ फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड। हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स का रीजन होता है नॉट ट्रांसक्रिप्ट इनटू mRNA बट रोल इन कंट्रोलिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। ये प्रमोटर क्या करता है, कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, ठीक है। अब उसके बाद एनहेंसर जो होगा वो क्या करेगा, एक्टिवेटर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड टू द एनहेंसर टू इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो इन एनहेंसर को बाइंड करते हैं अपने साथ, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो फास्ट हो सके, वो जल्दी हो सके, ठीक है। और उसकी प्रोसेस जो होती है उसको इंक्रीज करने के लिए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एनहेंसर को अपने साथ बाइंड करते हैं, ताकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इंक्रीज कर सके, ठीक है। एनहेंसर्स आर कंडीशनल एंड वर्क ओनली अंडर द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। एनहेंसर जो होते हैं ना वो कंडीशनल होते हैं, मीन्स उनके साथ एक शर्त होती है कि वो अकेले काम नहीं करते। ये किसकी तरह, जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से होते हैं। ये वर्क ओनली अंडर द प्रेजेंस ऑफ अदर फैक्टर, इसमें क्या होता है, एनहेंसर को वर्क करने के लिए किसी अलग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अलग फैक्टर कौन सा होगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होगा। जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो होता है ना उसकी प्रेजेंस में एनहेंसर जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को
इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है साइलेंसर। साइलेंसर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तरह से रिप्रेसर होते हैं, रिप्रेस करते हैं रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल को, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। सम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शनल रीजन, और उसके बाद में कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, उन्हें हम साइलेंसर कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट है।